भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, बैठक में मथुरा में विकास परियोजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। क्या पूरा हो गया है और क्या बाकी है, सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे और उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। दिशा मीटिंग हुई अभी, जो पिछले कई सालों से होता रहता है। अभी लास्ट मीटिंग वी डिड इट इन द लास्ट ईयर किया था, अभी बीच में इलेक्शन की वजह से। अभी इस बार मेरा इस टेन्योर का ये पहला मीटिंग है ईशा का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, पूरा मथुरा क्षेत्र के पूरा डेवलपमेंट के बारे में, जो जो कमियां रह गई है उन सबको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जितना काम हुआ है वो भी हमें सुनने में देखने को मिलता है, कितना काम हो चुका है और जो करना है। एवरी डिपार्टमेंट के पीपल आते हैं, सारे अधिकारी लोग आए। अभी लास्ट मीटिंग जो था वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हमारे वृंदावन में काफ़ी समस्याएं रहती है, क्योंकि वहाँ के जनता हमें हमेशा कहते रहते हैं ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ आबादी भी बढ़ती हो रही जा रही है, तो इसकी वजह से हमें उसके हिसाब से हर चीज़ को आगे और ज़्यादा करना पड़ता है। तो उसके विषय में, देन रोड के विषय में, एंड सो मेनी थिंग्स। अभी आई थिंक हमारे DM साहब भी यहीं पे हैं, वो भी बताएंगे कि क्या क्या किस किस विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये मीटिंग हम दिशा का पूरा मथुरा के डेवलपमेंट के बारे में है, और भी अच्छा सा और भी फास्ट होगा सब चीज़। और हम चाहते हैं कि ये मीटिंग एवरी 4 मंथ्स होता है, और सारे जनप्रतिनिधि भी साथ में थे हमारे, सब लोगों ने भी अपना अपना विषय भी रखा है, तो सब लोगों का बात सुनकर हमारे अधिकारी लोग भी वो सबको माना है और वो भी करने के लिए राजी है। हम लोगों ने उनको पहले तो हमने उनको बहुत ही उत्साहित किया, बधाई दी, जितना काम अच्छा हुआ है और जो और अच्छा काम हो सकता है उसके विषय में हम लोगों ने बताया। उसके विषय में काफ़ी बातें हुई है, उसकी कैसे कैसे समस्याएं करेंगे वो सब उन्होंने कहा है, ये सब करने वाले हैं आगे के लिए। इतने मैंने यही कहा कि ये सिर्फ बारिश के मौसम में ये तकलीफ होता है, ऐसा ना हो कि परमानेंट इसको कर दें कि कभी भी बारिश हुआ कुछ भी हो तो ये हो। लेकिन हमारा सिटी जो है बहुत ही वेरी ओल्ड एंशंट सिटी है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़बरदस्त ज़ोरों से उसको डेवलप करना मुश्किल है, क्योंकि हमें इसकी वो जो प्राचीन काल का जो स्वरूप है उसको रखते हुए हमें डेवलप करना पड़ेगा। इट्स ए वेरी बिग चैलेंज फॉर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस। ठीक है, जन्माष्टमी में तो बारिश होगी हर जगह, चाहे वो मथुरा हो या बम्बई हो या कलकत्ता हो, कहीं पर भी, तो दैट इज़ वो होगी, उसके लिए वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जन्माष्टमी। यू हैव टू आपको भीगना पड़ेगा बारिश में, जैसे भगवान कृष्ण भी भीग कर आए ना, तो ऐसे दैट इज थिंग प्रॉपर। देखिए जब बारिश होती है तो सारे जगह जल भराव हो जाता है, उसके लिए काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया है, हमारे पूरे अधिकारी लोगों ने काफ़ी वो पंप डाल के निकालने की कोशिश करता है।